Good morning student, how are you? I hope you all are fine, stay safe and healthy. Today we will discuss your chapter number 4, chapter name subtraction up to 20. Subtraction means ghatana, up to 20 numbers. Let's get started. It is Amit's birthday today. His friends are visiting his place. He decides to help his mother by placing cookies on the plate. आज अमित का बर्थडे है और उसके फ्रेंड्स उसके घर पर आने वाले हैं और अमित ने डिसाइड किया है कि वो अपनी मदर की मदद करेगा कुकीज़ को प्लेट में प्लेस करने में. वाइल प्लेसिंग दैम ऑन द प्लेट ही फाइंड्स दैट सम ऑफ द कुकीज़ आर नॉट इन गुड कंडीशन. और जब वो कुकीज़ को प्लेट में प्लेस कर रहा था तब उसने देखा कि जो कुछ कुकीज़ हैं वो अच्छी कंडीशन में नहीं है. अमित्स हैव 5 कुकीज़ एंड 2 कुकीज़ आर क्रम्बल्स. हाउ मैनी कुकीज़ इन गुड कंडीशन. अमित के पास में 5 कुकीज़ हैं एंड उसमें से 2 कुकीज़ क्रम्बल हो गई हैं, यानी टूट गई हैं. सो अब उसके पास में अच्छी कंडीशन में कितनी कुकीज़ हैं. सो 5 - 2 आंसर विल बी 3. सो अमित के पास में गुड कंडीशन में 3 कुकीज़ हैं. नाउ नेक्स्ट पेज, इंट्रोडक्शन टू सब्स्ट्रैक्शन. अमित बायस 5 कैंडीज, ही ईट्स 3 कैंडीज. लेट अस फाइंड आउट द नंबर ऑफ कैंडीज दैट देयर आर लेफ्ट विद अमित. अमित ने 7 कैंडीज खरीदी और उसमें से 3 उसने खा ली, तो अब अमित के पास में कितनी कैंडीज बच गई. सो 7 - 3 आंसर विल बी 4. सो अब उसके पास में 4 कुकीज़ बच गई. वी यूज द सिंबल माइनस रीड एज माइनस टू सब्सट्रैक्ट नंबर. हम सब्सट्रैक्शन के सिंबल को माइनस कहते हैं और उसी से हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं. वर्टिकल सब्सट्रैक्शन लाइक एडिशन वी कैन ऑल्सो सब्सट्रैक्ट यूजिंग द वर्टिकल मैथड. इन द सब्सट्रैक्शन वी प्लेस द ग्रेटर नंबर अबव द स्मॉलर नंबर. जिस तरीके से हम एडिशन के अंदर वर्टिकल मेथड का यूज़ कर सकते हैं, उसी तरीके से हम वर्टिकल मेथड की हेल्प सब्सट्रैक्शन मेथड में भी ले सकते हैं. एंड हम हमेशा ग्रेटर नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को ही माइनस करते हैं. देखिए 9 क्या है, वो आपका ग्रेटर नंबर है एंड 1 क्या है, आपका स्मॉलर नंबर. सो 9 - 1 आंसर विल बी 8. सो हमेशा हम ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को ही सब्सट्रैक्ट करते हैं. सब्सट्रैक्टिंग इज टेकिंग अवे थिंग्स व्हेन वी हैव अ नंबर एंड वी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इट द नंबर बिकम स्मॉलर. और हमेशा जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वो हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर का करते हैं एंड हमें हमारे सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट मिल जाता है. नेक्स्ट योर एक्सरसाइज 4A. क्रॉस आउट द सब्सट्रैक्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ए 5 - 2. आपको 5 पोमीग्रेनेट दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में और इसमें से आपको 2 को माइनस करना है. सो 5 - 2 आंसर विल बी 3. बी 5 - 1. वी हैव 5 स्ट्रॉबेरीज एंड सब्सट्रैक्ट 1 स्ट्रॉबेरी. सो आंसर विल बी 4. 5 - 1 आंसर विल बी 4. सो स्टूडेंट आपको एज इट इज एक्सरसाइज 4A को फिल करना है. नाउ नेक्स्ट पेज, वे टू सब्सट्रैक्ट. काउंटिंग फॉरवर्ड टू सब्सट्रैक्ट. हम फॉरवर्ड काउंटिंग से किस तरीके से सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं. देयर आर 8 बर्ड्स ऑन अ ब्रांच, 5 फ्लाई अवे. हाउ मैनी बर्ड्स आर स्टिल ऑन द ब्रांच क्वेश्चन मार्क. एक ब्रांच पर 8 बर्ड्स हैं एंड उसमें से 5 बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कर गई, यानी उड़ गई. सो अब ब्रांच पर कितनी बर्ड्स हैं. सो 8 - 5 आंसर विल बी 3. सो आप इसको फॉरवर्ड काउंटिंग में किस तरीके से कर सकते हैं. सबसे पहले आप 5 से 6 पर जाएंगे वन स्टेप, 6 से 7 पर जाएंगे, 7 से 8 पर जाएंगे. तो आपने कितने स्टेप फॉलो किए, 3 स्टेप. आप 3 नंबर फॉरवर्ड गए, मीन्स आपका आंसर कितना आ गया, 3. आप इस तरीके से भी सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं. काउंटिंग बैकवर्ड टू सब्सट्रैक्ट. बैकवर्ड काउंटिंग की हेल्प से भी हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं. रॉय हैज़ 8 एप्पल्स, ही गिव्स 2 एप्पल टू टॉम. हाउ मैनी एप्पल्स आर लेफ्ट विद रॉय. रॉय के पास में 8 एप्पल्स थे और उसने 2 एप्पल्स टॉम को दे दिए, तो अब उसके पास में कितने
एप्पल्स बचे। तो हम इसको क्या करेंगे, बैकवर्ड काउंटिंग से करेंगे। हम 8 से क्या जाएंगे, 2 स्टेप बैक में जाएंगे। तो 8 से 7 पर एंड 7 से 6 पर। सो हम कितने स्टेप आए, 2 स्टेप। सो 8 माइनस 2 आंसर विल बी 6। सो रोए के पास में 6 एप्पल बच गए। एक्सरसाइज 4B, आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 4B को भी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग की हेल्प से ही क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल 7 माइनस 2। सो 7 माइनस 2 में जब आप फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, सो आप 2 से 7 तक जाएंगे और आप देखेंगे कि आपने कितने स्टेप फॉलो किए। सो जब आप 2 से 3 तक जाएंगे 1 स्टेप, 3 से 4 तक जाएंगे 2 स्टेप, 4 से 5 तक जाएंगे 3 स्टेप एंड 5 से 6 तक 4 स्टेप एंड 6 से 7 तक 5 स्टेप। मीन 7 माइनस 2 आंसर विल बी 5। तो आपको इसी तरीके से अपनी एक्सरसाइज 4B को फिल करना है। नेक्स्ट, सब्सट्रैक्टिंग 0। देयर आर 3 फ्रॉग्स इन द पोंड, नन ऑफ देम जंप आउट ऑफ द पोंड, हाउ मैनी फ्रॉग्स आर देयर इन द पोंड ? एक तालाब के अंदर 3 मेंढक हैं और उन तीनों में से एक ने भी जंप नहीं किया है तालाब के बाहर। सो मीन्स 3 माइनस 0 आंसर विल बी 3। इफ यू सब्सट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर, द नंबर रिमेन्स द सेम, इट्स वैल्यू डज नॉट डिक्रीज। अगर आप किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, सो आपकी वही डिजिट या वही नंबर एज इट इज़ आ जाता है। मीन्स 0 का मतलब होता है कि हमने किसी भी अमाउंट को माइनस नहीं किया है। नेक्स्ट, 1 फ्रॉग जंप्स आउट ऑफ द पोंड। अब 3 फ्रॉग में से 1 फ्रॉग ने क्या किया, तालाब से बाहर जंप लगा दिया। सो मीन्स 3 माइनस 1 आंसर विल बी 2। Now one more frog jumps out of the pond. अब एक frog ने और jump कर लिया है तालाब से बाहर। So 3 minus 2 answer will be 1. Subtracting a number from itself. There are 3 frog in the pond. All the frogs jump out the pond. How many frogs are there in the pond? तालाब के अंदर 3 मेंढक हैं और उन तीनों ने ही क्या किया, तालाब से बाहर जंप लगा दिया। सो अब तालाब के अंदर कितने फ्रॉग रह गए, कितने मेंढक रह गए। सो 3 माइनस 3 आंसर विल बी 0। जब भी आप सेम डिजिट नंबर में से सेम डिजिट नंबर को माइनस करते हैं, सो हमारे पास में आंसर हमेशा 0 ही आता है। 0 का मतलब कि हमारे पास में 0 क्या करता है, हमें एब्सेंट शो करता है कि हमारे पास में कोई भी अमाउंट नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।